नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि रोजाना मौसम से जुड़ी जानकारी रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो बिहार से बंगाल तक लू का कहर, पंजाब हरियाणा में तूफान के साथ बारिश की है संभावना। देश के कई राज्यों में फिलहाल भीषण गर्मी जारी है, कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम में नरमी बनी हुई। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और कर्नाटक में लू की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा में भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। वह नए पश्चिम विक्षोभ के असर के कारण पिछले 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में जो है मतलब देश के कई राज्यों में जो है बारिश दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग ने जो है आगामी 24 घंटों के दौरान जो है अलग अलग राज्यों में जो है बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। वही प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की अगर बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम हिमालय क्षेत्र के हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आज और कल 2 दिन तक जो है जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं दिल्ली में गर्मी बढ़ने की फिलहाल आशंका है, पारा 40 डिग्री पार जा सकता है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते जो है दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 23 के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान जो है फिलहाल जो है बढ़ोतरी का सिलसिला जो है वो आगामी दिनों में बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जानकारी फिलहाल दी गई है। बात अब करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की मौसम की, तो राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में पिछले दिनों मौसम सुहाना बना हुआ था क्योंकि एक के बाद एक पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा था जिसके असर से प्रदेश में आंधी बारिश देखने को मिल रही थी जिसे तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। वही मौसम का ये हाल बीते कल भी रहा, आज जो है आज से तापमान में बढ़ोतरी की बात कही गई है। आज से जो है कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वही बारिश के बाद जो है प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे अधिक सीकर में 4 डिग्री तक गिरावट रही, गंगानगर में 6 डिग्री तक गिरावट तापमान में हुई, जैसलमेर में 4 डिग्री तक तापमान गिरा। वही मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिन तक तो प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की बात कही है। हालांकि हनुमानगढ़, गंगानगर आसपास के इलाकों में 2 दिन बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है और 1-2 डिग्री तापमान में जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। बात बिहार के मौसम की करते हैं, तो बिहार में भागलपुर, पूर्णिया और सुपौल आसपास के इलाकों में जो है मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की। दरअसल बिहार में इन दिनों जो है प्रचंड गर्मी पड़ रही है, गर्म हवा लोगों को झुलसा रही है। सुबह 10 बजे के बाद ही गर्मी के तेवर सख्त हो रहे हैं, चिलचिलाती धूप का सामना लोग कर रहे हैं। वहीं गर्म हवा का प्रभाव को देखते हुए लोग बेवजह अपने घरों से बाहर यहाँ पर ना निकलने की सलाह जो है मौसम विभाग ने दी है। वह दोपहर में जो है सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात दिख रहे हैं। 40 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। शेखपुरा में सबसे ज्यादा पारा 44.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही भागलपुर, बांका और पूर्णिया, कोसी सीमांचल और अंग क्षेत्र में भी अभी लू वाली स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये बिहार में जो है अभी आगामी दिनों में जो है इस तरह की स्थितियां जारी रहने वाली है, मतलब तापमान में उतराव चढ़ाव की स्थिति जो है वो आगामी दिनों में जारी रहेगी। बात हिमाचल के मौसम की करते हैं, तो हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम बदल गया है। प्रदेश के कई कई यहाँ पर मतलब ऊंचाई वाले इलाकों में और मैदानी इलाकों में जो है बारिश और हिमपात देखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में अभी आगामी 1-2 दिन मौसम खराब रहेगा। सूबे के विभिन्न क्षेत्रों में जो है तेज हवाओं के साथ बारिश होने की बात कही गई है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी की गई अपडेट में कहा गया है कि पश्चिम विक्षोभ मध्य अफगानिस्तान और उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है। इस ट्रप जो है वो उत्तरी ओडिशा तक फैली हुई है। यही नहीं, हरियाणा पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मौजूद है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर असम पर भी मौजूद है और एक अन्य ट्रप जो है कर्नाटक होते हुए उत्तरी तमिलनाडु तक जा रही है। सभी मौसम प्रणाली के कारण जो है देश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो है आगामी 1-2 दिन तक जो है मौसम इसी तरह का जो है वो रहने वाला है, यानी बारिश वगैरह होती रहेगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वादियों में जो है मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कई इलाकों में जो है बर्फ की चादर छा चुकी है। दरअसल उत्तराखंड के मशहूर फूलों की घाटी का यहाँ पर जो कौन नहीं देखना चाहता है, लेकिन आजकल ये
घाटी जो है बर्फ से दबी है। उत्तराखंड में जो है हुई बर्फबारी के बाद खूबसूरत वो लोग घाटी बर्फ से ढकी हुई, जिसका नज़ारा देखने लायक है। दुनिया में अपने सुंदर दिलकश फूलों के नज़ारे देखने वाली फूलों की घाटी आजकल जो है सफ़ेद बदर की मतलब बर्फ में जो है वो चटी हुई है। वह उत्तराखंड मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि उत्तराखंड मौसम ने करवट ली है। अप्रैल महीने में उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिससे उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफ़ेद चादर जो है ढक गई है, यानी चोटियाँ ढक गई है। वही कल हुई बर्फबारी ने यहाँ पर कई इलाकों में जो है लोगों को यहाँ पर प्रभावित किया है। वही आगामी दिनों में जो है ये स्थितियाँ और भी यहाँ पर बर्फबारी की स्थितियाँ जो है वो चल रहेगी। एक दिन तक मौसम और भी खराब रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। तो ये कुछ स्थितियाँ जो है वो रहने वाली है, ज्यादा इलाकों में जो है रहने वाली है। हरियाणा के मौसम की बात करें तो हरियाणा में फिर से आपद की बारिश के आसार जताए गए। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दरअसल हरियाणा में जो है बारिश और ओलावृष्टि के बाद दो दिन मौसम खराब रहने वाला है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें हरियाणा के चंडीगढ़, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल शामिल है। इन जिलों में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 24 घंटों में जो है सुबह के पानीपत में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग ने जो है आज और कल दो दिन तक हरियाणा के कुछ इलाकों में मौसम खराब रहने की स्थिति की बात यहाँ पर कही है, यानी ज्यादा इलाकों में मौसम जो है वो खराब रहेगा। इसी तरह की स्थिति जो है वो रहने की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये ज्यादा इलाकों में जो है मौसम में बदलाव की स्थिति जो है बरकरार रहेगी। मौसम विभाग की ओर से भी फिलहाल ये जानकारी जो है वो निकल के सामने आ रही है। आगामी दिनों की स्थिति इसी तरह की रहने वाली है। बात एमपी की करती है तो एमपी की मौसम की बात करें तो गर्मी से राहत अभी मिलने जा रही है। एमपी में जो है गर्मी जो है अब असर दिखाई गई। कई जिलों में बारिश यहाँ पर बूंदाबांदी का असर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बात यह है कि एमपी में एक बार फिर से गर्मी अपना असर दिखाएगी। निमाड़ सहित अन्य जिलों में जो एक तरह जल्दी पारा जा सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बदलते मौसम प्रणाली के चलते कई जिलों में बादल छाएंगे और बूंदाबांदी के आसार हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबा दें, ताकि रोजाना मौसम से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे।